गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू हिंदी क्लास। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हिंदी की क्लास में आज हम व्याकरण, सर्वनाम यह विषय लेने वाले, यानी यह टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं। तो सर्वनाम क्या होता है, आओ जानो। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा यानी नाम, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, इसका, इस, उस, यह, इस प्रकार और सारे सर्वनाम आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नाम वाले शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो चलो हम कुछ उदाहरण देखें, उसके पहले कुछ बातें याद रखें। नाम एवं सर्वनाम के मध्य मूल में यह अंतर है कि संज्ञा के केवल किसी व्यक्ति का नाम, किसी का नाम का बोध होता है। जैसे मोहन, मोहन यह सुनकर आपको क्या पता चलता है, एक लड़का या एक आदमी कि जिसका नाम मोहन है, इस शब्द का हमें बोध होता है, लेकिन इससे संबंधित अन्य नामों का बोध नहीं होता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ सर्वनाम का इस्तेमाल करते हो यानी प्रयोग करते हो, तो उससे हमें किस चीज का बोध होता है, घर, शहर, पशु पक्षी, प्राणी, जगह आदि का बोध हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, मैं 2 घंटे से बाहर खेल रहा हूँ। दूसरा उदाहरण है, आप कहाँ जा रहे हैं, मैं मेरी माँ की सारी बातें मानता हूँ, उसके पास रंग बिरंगी गुब्बारे हैं। इन सारे वाक्यों में मैं, आप, कहाँ, मेरी, मैं, उसके, इस प्रकार के बहुत सारे सर्वनाम आए हैं। और कुछ वाक्य देखिए, जैसे उनमें यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, इस प्रकार के सर्वनामों का इस्तेमाल किया है। तो चलो देखिए, यह मेरी पुस्तक है, यह कार मनोज की है, ये कपड़े रेखा के है, कोई आ गया तो क्या करोगे, उसने कुछ नहीं लिया। इसी प्रकार और कुछ उदाहरण देखिए, जिसमें कौन, क्या, किसकी, इस प्रकार के सर्वनाम है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला उदाहरण है, कौन आया था, वह क्या कह रहा है, या आप इस प्रकार भी सवाल करते हो, यह पुस्तक किसकी है, इस प्रकार से आप सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हो नाम वाले शब्दों की जगह। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा, सर्वनाम, नाम वाले शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर भी एक बार हम सर्वनाम की व्याख्या देखिए, ठीक है? तो चलो, सर्वनाम, सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, इसका, इस प्रकार से सर्वनाम भी आते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम यह टॉपिक यानी यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगले की हिंदी कक्षा में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।